आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम श्रृंखला के दूसरे दिन आज कुरुक्षेत्र के राजकीय आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की हिसार क्षेत्रीय प्रचार इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इनमें लगभग 100 प्रतिभागी शामिल हुए। क्षेत्रीय प्रचार इकाई के प्रचार सहायक दौलतराम सिहाग ने बताया कि इस अवसर पर स्कूली बच्चों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी, भाषण और निबंध प्रतियोगिता के अलावा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ऐसे लेखन, भाषण प्रतियोगिता और इसमें अन्य प्रतियोगिताएं भी करवाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाया गया और इसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया और बच्चों को यह जानकारी दी गई कि हमें आज़ादी कैसे मिली और इस आज़ादी के लिए किन किन शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी और उन शहीदों के लिए यह अमृत महोत्सव सच्ची ही श्रद्धांजलि है, ताकि उन लोगों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें कि उन्होंने हमारे लिए प्राण न्योछावर कर दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्यार्थियों ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारे लिए बड़े उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम में बताया गया कि आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान रहा है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना उनके लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्कूल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी गतिविधियाँ थी, जैसे भाषण देना, निबंध लिखना, और इनमें बहुत अच्छा लगा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे कैसे हम आज़ादी मिली और कौन कौन उसमें लड़े, शहीद हुए। मैंने आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर क्विज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। हाँ जी, बहुत सी जानकारियों का पता लगा कि हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे सीख छोड़ के गए हैं। आज हम इस प्रतियोगिता में ये बताएंगे कि आज़ादी हमें कब मिली,